सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को, और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। कामता साइबर टीवी पे फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर फॉरेंसिक टूल्स के बारे में। साइबर फॉरेंसिक टूल्स उस तरह का टूल्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे डाटा एक्सट्रक्शन के लिए, हार्ड डिस्क का इमेज बनाने के लिए, पासवर्ड ब्रेक करने के लिए, या डिलीटेड डाटा, फॉर्मेटेड डाटा को रिकवर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में वो सारे टूल्स के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो जो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको फॉरेंसिक टूल्स के बारे में बताऊंगा, साइबर फॉरेंसिक टूल्स, और जितने भी महत्वपूर्ण साइबर टूल्स हैं, साइबर फॉरेंसिक टूल्स हैं, उसके बारे में मैं एक ओवरव्यू देने का इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। जैसे सबसे पहले साइबर फॉरेंसिक वर्क स्टेशन, साइबर फॉरेंसिक लैब का सबसे महत्वपूर्ण जो डिवाइस है वो साइबर फॉरेंसिक वर्क स्टेशन होता है। इस डिवाइस की खासियत है कि ये एक सर्वर है और ये काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन का होता है। इसमें रैम यूजुअली 64 GB का होता है, और इसका हार्ड डिस्क कैपेसिटी करीब करीब 20 TB से ऊपर का होता है। और इसमें इसकी एक और खासियत ये है कि ये बिल्कुल राइट प्रोटेक्टेड है। इसमें कोई भी एग्जिबिट हम लोग बहुत ही निफिक्र होकर लगा सकते हैं और उसका डाटा को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें एक और जो फीचर है वो ये है कि इसमें हम लोग आसानी से इमेज बना सकते हैं, इमेज बनाने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त भी कई सारी सुविधाएं इसमें हैं जो वर्क स्टेशन को बहुत ही स्पेशल बनाता है। इसमें दो साइज का हम लोग हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं, 2.5 3.5 का। इसके बाद आता है यूफेट टच। यूफेट टच दुनिया का सबसे बढ़िया मोबाइल डाटा एक्सट्रक्शन डिवाइस है। यूफेट टच एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसको हम लोग कहीं भी क्राइम सीन पे बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं और वहाँ पे डाटा का एक्सट्रक्शन कर सकते हैं। यूफेट टच से हम लोग किसी भी मोबाइल का फिजिकल डाटा, लॉजिकल डाटा, सिम का डाटा, उसके अतिरिक्त पेन ड्राइव का डाटा इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यूफेट टच 15,000 से ज़्यादा मोबाइल मॉडल को सपोर्ट करता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसका जितना भी अपडेट वर्जन आता है, हर वर्जन में करीब करीब 500 मोबाइल मॉडल जो है हमेशा बढ़ते रहता है। तो ये अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन मोबाइल डाटा एक्सट्रक्शन डिवाइस माना जाता है इसे। और ये चूंकि पोर्टेबल है, कहीं भी इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं, इसलिए भी ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें डाटा एक्सट्रक्शन करना और उसको पेन ड्राइव में लेना बहुत ही आसान है। इसमें दो पोर्ट दिया हुआ, एक सोर्स का, एक डिस्टिनेशन का। और इससे ये मल्टी सिम कार्ड एडॉप्टर है, इसकी मदद से हम लोग तीनों साइज का, मिनी, माइक्रो एंड नैनो साइज का जो हम लोगों का सिम कार्ड होता है उसका डाटा एक्सट्रक्शन कर सकते हैं और उसके डाटा को यूफिट के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। ये यूफिट डाटा टूल किट है, इसमें कई सारे केबल होते हैं, अलग अलग मोबाइल के मॉडल के हिसाब से इसमें केबल दिया हुआ है, जिसे हम लोग अपने सुविधा और जरूरत के हिसाब से यूफिट में लगाते हैं। ये है फिजिकल एनालाइजर। जब हम लोग किसी भी मोबाइल का डाटा एक्सट्रक्शन कर लेते हैं और उसे सिस्टम पे सेव कर लेते हैं, तो उसको रीडेबल फॉर्म में रिपोर्ट के रूप में, रिपोर्ट जब उसका जनरेट करना होता है तो ये यूफेट फिजिकल एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग वो रॉ डाटा को अपलोड करते हैं और ये जस्ट ए सिंगल क्लिक ये रिपोर्ट जनरेट कर देता है।
यह लॉजिकुल का फाल्कन। ये डिवाइस हार्ड डिस्क डाटा रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम लोग हार्ड डिस्क का इमेज बनाते हैं और इससे हम लोग हार्ड डिस्क का क्लोन करते हैं। इसमें ये सुविधा है कि इसमें विंडो के लिए इमेज बना सकते हैं, लाइनक्स के लिए हम लोग इमेज बना सकते हैं, मैक के लिए इमेज बना सकते हैं, हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग इसमें इमेज बनाने की भी सुविधा दी गई है। ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। इसकी खासियत ये है कि इमेज बनाकर हम लोग पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं। इसमें हैश वैल्यू खुद से कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके रिपोर्ट में जब उसका एक रिपोर्ट खुद से जनरेट हो जाता है और उसमें हैश वैल्यू आपका मेंशन होता है, आपके डिवाइस का सारा नाम मेंशन होता है, सोर्स का भी और डिस्टिनेशन का भी। इस डिवाइस की खासियत है कि इसमें एक साथ दो हार्ड डिस्क की का हम लोग इमेज बना सकते हैं, दो डिवाइस का हम लोग क्लोन कर सकते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अभी के समय में सबसे लेटेस्ट जो इमेज बनाने का डिवाइस है दुनिया में वो फाल्कन है। इसकी स्पीड 32 GB पर मिनट है। ये बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण है कि इस स्पीड के कारण डाटा एक्सट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। पहले जो हम लोगों को 24 आवर तक लग जाता था एक इमेज बनाने में, वो अब घट के 3 से 4 घंटे में बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। ये चूँकि टच स्क्रीन है, ग्राफिक्स है, इस पर हम लोग को सारा चीज़ टच कर करके और इसमें एक जीबी पर मिनट है और उसका 32 GB पर मिनट था। इसमें एक और चीज़ है, इसकी खासियत है कि ये बटन और कीपैड दोनों इसमें दिया गया है। हम लोग टच स्क्रीन से भी काम कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी इसमें काम कर सकते हैं, दोनों सुविधा इसमें दी गई है। इसमें भी दो हार्ड डिस्क का इमेज एक साथ बनाया जा सकता है। दो ये है इनकेस फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर। किसी भी हार्ड डिस्क के इमेज का या क्लोनिंग का जब एनालिसिस करना होता है तो हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। क्योंकि क्लोनिंग में तो डाटा दिखता है, रीडेबल फॉर्म में होता है, लेकिन जब किसी हार्ड डिस्क का हम लोग इमेज बनाते हैं तो वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है। और उसको रीडेबल फॉर्म में देखने के लिए और डिलीटेड डाटा, फॉर्मेटेड डाटा को निकालने के लिए हम लोग इनकेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये लॉजिक्यू का साटा राइट प्रोटेक्टर है। इसके माध्यम से हम लोग साटा हार्ड डिस्क का डाटा देख सकते हैं। राइट प्रोटेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको कनेक्ट करने के बाद किसी भी एग्जीबिट का हैश वैल्यू चेंज नहीं करता है, डाटा टेम्पर नहीं होता है और डाटा डिलीट भी नहीं होता है। हम लोग चाहेंगे भी या गलती से कई बार डाटा डिलीट हो जाता है तो इसमें वो उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। चाहेंगे भी तो डाटा डिलीट नहीं होगा, इसलिए कभी भी किसी एग्जीबिट का यदि हम लोगों को डाटा देखना होता है तो राइट प्रोटेक्टर इंटरनल डिवाइस है, इंटरनल इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिसके बारे में बताना जरूरी है। यहाँ पे रैम है। रैम हम लोग जानते हैं कि इसमें लाइव डाटा होता है, वोलाटाइल डाटा होता है। यदि कभी कंप्यूटर लाइव हम लोग को मिलता है, स्विच ऑन मिलता है, तो इसी रैम में वो डाटा होता है। इसलिए हम लोगों को जब भी लाइव कंप्यूटर मिले तो उसका डाटा एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि 99.9 डाटा इसी में होता है, तो इसलिए इसका तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। SMPS पावर सप्लाई के लिए होता है, इसमें किसी भी तरह का डाटा नहीं होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता सीज करने की नहीं होती है।